अगर आप फिल्म मेकर हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं या वेब सीरीज बनाना चाहते हैं और आप पहली बार बनाने की कोशिश करें, तो मैं आज आपको 5 ऐसी एडवाइस दूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा आज के फिल्मी फंडे में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। दोस्तों, मैं फिल्म मेकर्स के लिए भी काफ़ी वीडियोस बनाता हूं, खासतौर से इसलिए कि जितने नए और अच्छे फिल्म मेकर्स आएंगे उतना ही ज़्यादा सारे क्रिएटिव लोगों का, टेक्निकल लोगों का भी बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसलिए फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये जानें कि अगर वो पहली बार कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखा होगा आपने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, उन्होंने शॉर्ट फिल्म बना ली है लेकिन रिलीज़ नहीं हो पा रही, उनको मालूम नहीं है कहाँ रिलीज़ करना है, या फीचर फिल्म बना ली है, बहुत सारी फीचर फिल्म ऐसी हैं जो बन चुकी हैं या अधूरी रह गई हैं, बंद हो गई हैं, फिर कुछ नहीं हो पाता। ऐसे में पूरा का पूरा हौसला टूट जाता है किसी फिल्म मेकर का, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि जो भी लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनका किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, उनके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो। तो आज की 5 एडवाइजेज हैं फिल्म मेकर्स के लिए। नंबर 1 है, बेवेयर ऑफ फेक पीपल एंड प्रोमिसेस। जब कोई भी नया फिल्म मेकर आता है, भले ही वो वेब सीरीज बनाने आया हो, सीरियल्स बनाने आया हो, या फिल्म बनाने आया हो, शॉर्ट फिल्म बनाने आया हो, उसको जब लोग मिलते हैं तो वो लोग उसके साथ बहुत सारे फेक प्रॉमिस करते हैं। और क्योंकि ये बंदा नया होता है फिल्म मेकर, उसको समझ में नहीं आ पाता। अब आप कैसे समझे मैं बता दूं आपको। अगर आपको कोई भी ये बोलता है, प्रॉमिस करता है कि आप आ जाइए, मेरी इंडस्ट्री में बहुत पहचान है, मैं आपकी फिल्म बहुत कम पैसे में बना दूंगा, तो उसको पहले समझिए कैसे, क्योंकि कोई भी काम फ्री में नहीं होता, कोई भी काम अरेंजमेंट में नहीं होता, बाद में आपको उसके पैसे देने ही पड़ते हैं। तो शुरुआत में अगर आप कैलकुलेट करके नहीं रखते तो बाद में दिक्कत आती है। मैंने बहुत बार ऐसे रियल एग्जांपल देखे हैं कि कुछ डायरेक्टर्स ने या किसी प्रोडक्शन वालों ने किसी फिल्म मेकर को बोल दिया कि आप तो बस करना शुरू कर दीजिए, मेरी बहुत गुडविल है, मैं क्रेडिट दिला दूंगा, और बाद में होटल में कैमरा बंद कर दिए गए, बोला गया कि पहले पैसे दो उसके बाद ये सामान रिलीज होगा। तो इस तरह का ब्लैकमेलिंग हो जाता है। तो पहले ही समझ जाइए कि नहीं, मुझे पूरा बजट बताइए, उस बजट को खर्च मैं करूंगा अपने हिसाब से। उसको भी 2-3 लोगों से और पूछिए, आप जाके फिल्म कंसल्टेंट जो लोग हैं उनसे समझिए कि किस तरह से होता है, उस चीज़ को समझिए। अगर अच्छे समझना है तो एक ना फिल्म बजट पे मैंने डिटेल वीडियो रिलीज किया था 4 पार्ट में, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और आपको किन किन जगह पे खर्च करना पड़ सकता है। तो उसको पूरी तरह से प्लान कर लीजिए। दूसरा, आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपसे बोले कि मैं इस प्रोडक्शन कंपनी को जानता हूं या इस डिस्ट्रीब्यूटर को जानता हूं, मैं तो आपकी फिल्में यूं ही रिलीज़ करा दूंगा, तो प्लीज़ उनसे बोलिए कि पहले हमारी मीटिंग कराइए। क्योंकि ये तब बातें होंगी जब फिल्म बन जाएगी, तब ये लोग आपको नज़र नहीं आने वाले हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे नए फिल्म मेकर के साथ ऐसा होता है। इसी में एक बात और जुड़ी हुई है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ये बोले ना कि आप आधा पैसा लगा दीजिए और आधा पैसा मैं अरेंज करा दूंगा, सावधान हो जाइए। आपके प्रोजेक्ट पे सिर्फ आप ही पैसा लगा सकते हैं, आपके आइडिया पे कोई दूसरा पैसा लगाने वाला नहीं आएगा इंडस्ट्री का, बिल्कुल भी इन झांसों में मत आइए। इसी वजह से बहुत सारी फिल्में अटकी पड़ी हैं। दूसरा होता है कि नहीं, अगर कोई डायरेक्टर है वो बोलता है कि मैं आपकी फिल्म 20 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 22 दिन में ख़त्म कर दूंगा और इस तरह से पैसे बचा लूंगा, मैं अपने दोस्तों को बुला लूंगा, प्लीज़ उसको प्रैक्टिकली जरा जांचिए कैसे पॉसिबल है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं फिल्म मेकर कि सर मुझसे बोला गया था कि 30 दिन में फिल्म ख़त्म हो जाएगी, 60 दिन की शूटिंग हो गई, अभी भी फिल्म ख़त्म नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है? एज अ डायरेक्टर जब आपको कोई कमिट करता है तो उससे प्रोफेशनली एग्रीमेंट कीजिए। एग्रीमेंट ये करिए कि अगर 30 दिन में फिल्म ख़त्म नहीं हुई तो उसकी फीस रोक दी जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए जिससे कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो आंसरेबल हो जिस भी पर्सन को आप ये काम दे रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपको हमेशा ना प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर को एक स्किल जॉब की तरह समझना चाहिए। ये एक स्किल जॉब है कि एक टेक्निकल लोगों के क्रू को भी हैंडल करे, वेंडर्स को भी हैंडल करे, क्रिएटिव लोगों को भी हैंडल करे, साथ में बजट का भी ध्यान रखे। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ के ही आगे बढ़िएगा। सेकेंड पॉइंट है, बी क्लियर अबाउट योर बजट। आपका बजट क्या है उसको क्लियर रख लीजिए। आपका बजट क्या है प्रोडक्शन का, मतलब शूटिंग का, फिल्म बनाने का। दूसरा, आपका बजट क्या है रिलीज के लिए, यानी प्रमोशन के लिए। इन बातों को दिमाग में बहुत क्लियर कर लीजिए। आप बिल्कुल भी इसमें ये मत सोचिए कि मैं देख लूंगा, मैं 1-1.5 करोड़ में बना लूंगा, नहीं तो 2 करोड़ का बना लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एक क्लियर माइंड के साथ आइए, मुझे 2 करोड़ की बनानी है, 5 करोड़ की बनानी है, या शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो 1 लाख की बनानी है, 2 लाख की बनानी है, 5 लाख की बनानी है, वीडियो एल्बम बनाना है तो मुझे इतने बजट का बना। वो जो बजट है, वो अमाउंट है, वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उससे 10% कम के आप सारे बजट बनाइए। 10% कम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर 10% थोड़ा सा वेरी हो जाए तो आपके पास संभावना रहे। क्योंकि बजट अगर क्लियर नहीं होता है तो मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर को बाद में पछताते हुए देखा है,
कि उन्होंने शुरुआत तो की थी फिल्म की 2 करोड़ बनाएंगे, बाद में 4 करोड़ की हो गई, लेकिन फिल्म अभी तक नहीं बनी है। तो अपने बजट से आप आगे नहीं जाएंगे, और जो भी पर्सन या कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले रही है फिल्म बनाने का, उसको बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि इसके ऊपर नहीं जाना है। उसको आप वीकली प्लान में भी डिवाइड कर सकते हैं कि पर वीक या पर प्रोजेक्ट पे या पर प्रोडक्ट पे कौन कौन से हेड पे मेरा क्या क्या खर्चा होने वाला है, उसके हिसाब से ही मैं, जब पिछला मुझे क्लियर हो जाएगा, उतना काम हो जाएगा, तभी मैं अगला पेमेंट रिलीज करूंगा, उससे पहले मैं रिलीज नहीं करूंगा। देखिए, हमें क्या लगता है कि हम ये बड़ा क्रिएटिव फील्ड है, इमोशनल लोग हैं, तो इस तरह से बातें करेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन एट लास्ट जब पैसे नहीं होंगे या फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी, तो माय डियर फ्रेंड आप अकेले खड़े होंगे, तब कोई नहीं खड़ा होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करें और सारी चीज़ों को बहुत क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट करके ही फिल्म बनाना शुरू करें। उसमें आपको कभी भी कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो आप जॉइन फिल्म से हेल्प ले सकते हैं, हम उसमें आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। थर्ड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि चॉइस ऑफ द स्टोरी और द टाइटल। देखिए क्या होता है, कई बार फिल्म मेकर जो आते हैं उनके माइंड में एक स्टोरी होती है, एक्चुअली वो भी क्रिएटिव होते हैं, तो उनको लगता है यार इस कहानी पर फिल्म बनेगी तो बड़ा अच्छा होगा, या इसका टाइटल ऐसा होगा तो बड़ा अच्छा होगा। मैं आपसे कहता हूँ, हो सकता है आपकी कहानी, आपका टाइटल अच्छा हो, लेकिन प्लीज़ प्रोफेशनल लोगों से पहले राय लीजिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको एक दो बार सुना के फिर राय लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, जो आपको एमेच्योर या जो नए लोग जो एकदम से नीडी हैं, ग्रीडी हैं या प्रोफेशनल नहीं, वो क्या बोलेंगे, सर आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, वाह क्या टाइटल है, तो हिट है, आप खुश हो जाएंगे, आप उस टीम के साथ फिल्म बनाना शुरू कर देंगे, जबकि उनको फिल्म बनाने की उतनी समझ नहीं है, उनको फिल्म बेचने की उतनी समझ नहीं है। हो सकता है कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट या कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर जब आपकी कहानी सुने तो बोल दे कि नहीं ये कहानी अच्छी नहीं है, मैं इस पर फिल्म नहीं बनाऊंगा, तो आपको बुरा लग जाता है, आप सोचते हैं यार इस आदमी को तो समझ ही नहीं है, ये कहानी मैंने अपने घर वालों को सुनाई थी, रिश्तेदारों को सुनाई थी, ये कहानी तो बहुत अच्छी है। है क्या कि उसको अपना नाम नहीं खराब करना है, इसलिए उसने मना कर दिया। तो यहाँ पे आप बुराई को अच्छाई समझिए, आप इसको एक अलार्म की तरह लीजिए कि इस आदमी ने मना कर दिया तो मुझसे पैसे ले सकता था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एमेच्योर लोग बोल रहे हैं ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो इसमें से चुनना क्या है। यहीं पे आपको अपने बिजनेसमैन वाली उस समझ लगानी है कि बुराई भी कई बार अच्छाई में हो सकती है, उसको उस तरह से ही लीजिए, अगर कहानी बदलनी पड़ती है बदल लीजिए। देखिए एक बार अगर आप एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर बन गए, फिल्म मेकर बन गए, तो आपने जो कहानी सोची उसको भी आप अच्छे से बना लेंगे, लेकिन पहली बार मैं वही कहूँगा कि पहली बार कहानी और ये सब चीज़ों को ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जीबिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनेंगे तो आपको फायदा होगा। फोर्थ पॉइंट है टीम सिलेक्शन का या प्रोफेशनल पार्टनर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पहली बार फिल्म बनाना चाहते हैं, वीडियो एल्बम बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी टीम चुनिए जिन्होंने उस तरह का काम किया हो। आपको क्या लगता है कई बार कि मैं नए लोगों को लूँगा तो मुझे पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यहीं पर नुकसान क्या हो जाता है, टेस्ट एंड ट्रायल के चक्कर में, क्योंकि उनको कमांड करने वाला भी कोई एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो कोई कमांड करने वाला नहीं है, तो टेस्ट एंड ट्रायल चलता है, उसमें खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, टाइमलाइन बिगड़ जाती है, और आप अगर बिजनेसमैन हैं तो ये जानते ही होंगे, टाइमलाइन बिगड़ेगी, बजट बिगड़ेगा, तो प्रोजेक्ट कभी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता। इसको एक प्रॉपर सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, जो भी टीम चुनिए उसको एक्सपीरियंस टीम को चुनिए, आपका जो बजट है उसको मत बिगाड़िए, आप क्लियर कह दीजिए कि मेरा ये बजट है, मेरे को इसमें ही करना है। तो यहाँ पर किसी का MRP नहीं है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, उनको आपका कन्विक्शन अच्छा लगेगा, तो कम बजट में भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है, और काम अच्छा ही करके देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन कभी भी अपना नाम खराब नहीं करेगा, वो आउटपुट आपको उतना ही अच्छा देने वाला है। तो प्लीज़ जो प्रिंसिपल क्रू आप चुने वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। एक्टर या कुछ लोगों को आप नए लोगों को भी ले सकते हैं, उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि नए लोगों को चांस मत दीजिएगा, इसमें आप मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि नहीं नए लोगों को काम मत दो, नए लोगों को काम दो, लेकिन पहले आप तो पुराने हो जाओ, क्योंकि जब आपको आएगा कि इनको ट्रीट कैसे करते हैं, अगर सारे नए लोगों की टीम बनाएंगे तो कई बार आपको नहीं मालूम है कैसे कंट्रोल करना है और प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, बजट कहाँ जा रहा है, इसलिए एक बैलेंस टीम बनाइए, कोई प्रोफेशनल पार्टनर ले लीजिए जो इसमें आपकी हेल्प कर सके, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी फिल्म बनकर रिलीज हो पाएगी एटलीस्ट। फिफ्थ एडवाइस है कि प्रॉपर रिलीज प्लान एंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल भी हो। मैंने बहुत बार देखा है कि फिल्म मेकर आते हैं कि मेरा बजट सो एंड सो अमाउंट का है, और उसके बाद मैं इतनी स्पॉन्सरशिप ले आऊँगा, और उसमें मुझे फिर ये लोग कार वाले मेरे को इतना पैसा दे देंगे, ये होटल रिसोर्ट्स वाले मुझे इतना पैसा दे देंगे क्योंकि उनका होटल दिख रहा है। देखिए ये सब ना वेग आइडियाज़ हैं, ऐसी स्पॉन्सरशिप से, या कई बार कई नए लोगों को ये भी बोलते हैं कि सर आप तो क्या करो, आप इतना पैसा लगाओ, मैं नए लड़के लड़कियों को लाऊंगा वो पैसा लगा देंगे, ये सब वेग आइडियाज़ हैं। जो लड़का लड़की पैसे लगाएगा वो खुद फिल्म बना सकता है। आप अच्छा टैलेंट चुनिए, आपकी फिल्म के लिए अच्छा आर्टिस्ट जरूरी है, पैसे देने वाला आर्टिस्ट जरूरी नहीं है, पैसे तो आपको खर्च करने हैं।
तो प्लीज इन तरह के झांसों में ना आए, क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप होती है, जो दूसरे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, वो उस फिल्म को मिलते हैं जहां पे कोई ना कोई या तो डायरेक्टर बहुत बड़ा स्टार हो या फिर एक्टर बहुत बड़ा स्टार हो। नए प्रोजेक्ट्स पे ज्यादातर केसेस में बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप क्रिएट नहीं हो पाती, इसलिए प्लीज इन झांसों में ना आए। प्रॉपर रिलीज प्लान बनाएं, ये ना सोचे कि मैं बना लूंगा तब कोई मुझे स्पॉन्सर कर देगा या ले लेगा। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया हुआ जिसमें मैंने बताया कि फिल्म के रिलीज करने के क्या क्या तरीके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको और अंदाजा हो जाएगा। आप बस ये देखिए कि डे वन से, जिस दिन से आपने प्रोजेक्ट शुरू किया उस दिन से आपकी रिलीज डेट एकदम क्लियर होनी चाहिए, जैसे रेगुलर प्रोडक्शन हाउस की होती है। आप देखते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ साल पहले वो बता देते कि हमारी पिक्चर इस दिन रिलीज होगी, तो आपको भी वो माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या होगा, आपके सामने गोल है, आपके सामने टाइमलाइन है, आपको बजट बिल्कुल क्लियर है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और इस बजट में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड है, मेरा रिलीज का भी बजट इंक्लूड है। तो हर टाइम पे आप उसी तरह से खर्च करते जाएंगे और आपकी प्रॉपर फिल्म लोगों तक पहुंचेगी और लोग उसको देख पाएंगे। फिर उसका फिर अपनी जगह पे है कि उसको लोग कितना पसंद करते हैं कितना नहीं। अच्छी और बुरी फिल्म दोनों में मेहनत उतनी ही लगती है, हम लोग अच्छी फिल्म बनाने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी बताई गई एडवाइस से फिल्म बनाई और अच्छे से रिलीज कर पाए, हो सकता है फिल्म चले ना चले लेकिन अगली फिल्म आप जरूर बना पाएंगे, क्योंकि आप एक रेगुलर प्रोड्यूसर की तरह बिहेव कर रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एडवाइस आपको जरूर हेल्प करेगी, तो प्लीज आप अगर फिल्म बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आप किस तरह की सब्जेक्ट की फिल्म बनाना चाहते हैं, आप किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक का बटन हिट कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे एनर्जी मिले। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।